बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच राजभवन पर निगाहें, फ्लोर टेस्ट को लेकर अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार। तो जेजेपी ने राज्यपाल से की है बहुमत परीक्षण की मांग। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। एनएलओ ने की प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच राजभवन पर निगाहें हैं, फ्लोर टेस्ट को लेकर अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो जेजेपी ने राज्यपाल से की है बहुमत परीक्षण की मांग। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। इनेलो ने की प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। तो देखिए, जैसे ही तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, वैसे ही सभी पार्टी में अब घमासान मचा हुआ है। तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस और दूसरी जेजेपी और आईएनएलडी की भी तस्वीर, जहां पर बात की जाए अगर जेजेपी की तो राज्यपाल से बहुमत परीक्षण की मांग करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राज्यपाल से मिलने का समय जो है कांग्रेस मांग रही है, और साथ ही इनेलो जो है प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है। तो तीनों पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी बात जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा की जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें उथल पुथल यहां पर देखी जा रही है, और फ्लोर टेस्ट को लेकर अब राज्यपाल के फैसले का इंतजार हो रहा है। क्योंकि जेजेपी की बात करें तो राज्यपाल से मुलाकात और बहुमत परीक्षण की मांग वो कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जा रहा है। माफ कीजिएगा, जेजेपी ने राज्यपाल से बहुमत परीक्षण की मांग की है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हरियाणा में सियासी हलचल के बीच अब राजभवन पर निगाहें टिकी हुई हैं, और जेजेपी की बात की जाए, एनएलडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और ऐसे में मांग भी की जा रही है राज्यपाल से। देखिए, की दो तीन दिन का जो घटनाक्रम है वो हरियाणा की राजनीति के लिहाज से एक अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि देखिए राजभवन पर निगाहें टिकी हुई है। तमाम जो विपक्षी दल है वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, और जो मैजिक नंबर होता है, जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे पीछे लग रही है। 43 का आंकड़ा उनके पास आज के दिन है, लेकिन सदन में कब फ्लोर टेस्ट होगा इसका निर्णय जो है वो राज्यपाल ने करना है, और उससे पहले जो है तमाम जो दल है वो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। न केवल जेजेपी है, जेजेपी के लिए देखिए अपना कुनबा बांध कर रखना, यानी अपने 10 के 10 एमएलए को बांध के रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र बबली के जिस तरह के तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ दूसरे विधायक भी हैं, वो भी नाराज हैं। तो अगर आज के दिन जेजेपी की बात करें तो 6 विधायक दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं चल रही है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का देखिए क्या वहाँ फ्लोर टेस्ट के जो वो मांग तो उठा रहे हैं, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है दुष्यंत चौटाला ने साथ साथ, लेकिन वहाँ आगे क्या होगा उनकी पार्टी का वो देखने वाली बात होगी। और इसी बीच देखिए कल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 2-3 जेजेपी विधायकों ने गुप्त रूप से बैठक की, उस बैठक में क्या नतीजा निकला, उसका क्या निर्णय निकला और क्या कुछ खास हुआ यह तो निकल कर नहीं आया, लेकिन इस तरह से जब राजनीतिक तौर पर एक तरह से संकट का माहौल देखने को मिल रहा हो और उसी बीच ऐसी मुलाकातों के खास मायने होते हैं। और दूसरी ओर देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम एकजुट विपक्ष का एकजुट होना जो है वो यहाँ कठिन दिखाई दे रहा है। कभी जेजेपी बाहरी समर्थन की बात करती है, कभी हुड्डा कहते हैं कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, जेजेपी वाले हुड्डा को जो है वो बीजेपी गोद में बैठा बताते हैं। तो इस तरह के माहौल में देखिए राज्यपाल यह कह सकते हैं कि तमाम विधायक जो आप जिनके दम पर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं उनकी परेड करवा दीजिए पहले राजभवन में, या उनका पूरा जो है हस्ताक्षर से हस्ताक्षर करवाकर दे दीजिए पत्र पर। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हो सकती है, राज्यपाल के पाले में गेंद है, वो क्या निर्णय लेते हैं ये इस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल अमित, विपक्षी पार्टियां जो हैं ये पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी तरीके से कि कब बीजेपी में सरकार गिरे, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से ये कह रही है कि इस तरीके की कोई विकल्प नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, हुड्डा जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो अमित, इसको किस तरीके से समझा जाए? हालांकि राज्यपाल के हाथ में फैसला है, लेकिन क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष एकजुट तो है नहीं, हुड्डा भी सरकार जो मौजूदा परिस्थितियों में हुड्डा सरकार गिराना नहीं चाहेंगे, जो ऐसी स्थिति लग रही है।
क्योंकि देखिए कि केवल दो तीन महीने का ही समय बचेगा, 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद की परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो इस परिस्थितियों में अगर हुड्डा है वो चुनाव नहीं करवाना चाहेंगे जो जैसा लगता है, और वो क्यों 2-3 महीने के लिए सरकार अपनी बनाना चाहेंगे और इस तरह के खंडित जनादेश के साथ, जब उनके पास नंबर गेम उनके पास भी नहीं होगा। और सबसे अहम बात है यह सरकार गिरने का जो है वो लग ही नहीं रहा है सीन, क्योंकि सदन के बाहर जो चीजें चल रही है वो काफी उथल पुथल वाली है, सदन के अंदर क्या होगा यह देखने वाली बात है। सदन के अंदर जो है वो बहुमत साबित करना है बीजेपी को। बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि भले ही 43 नंबर उनके पास दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल 43 एमएलए हैं। देखिए 40 एमएलए खुद के बीजेपी के हैं, एक जो हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल खन्ना उनके साथ मौजूद है, वो सिरसा से विधायक है, और दूसरे विधायक राकेश दौलताबाद है, और नैनपाल जो रावत है वे भी खड़े हैं। तो ऐसे में 43 सदस्य दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गुप्त मीटिंगें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जेजेपी विधायकों की हुई, और वैसे भी देखिए जेजेपी के विधायक लगातार जो बयान देते हैं और वो बढ़ चढ़ कर भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार कर रही है, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, उन्होंने कह ही दिया कि 11 मई को अपने समर्थकों की बैठक बुलाएंगे, उसमें निर्णय लेंगे। उससे पहले उनकी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक हो चुकी है, रामनिवास सुरजाखेड़ा की बैठक हो चुकी है, जोगीराम सियाज की हो चुकी है। और देखिए इस तरह के माहौल में खतरा जो है वो बीजेपी को नहीं लगता है नंबर गेम के हिसाब से। और वैसे भी राज्यपाल के निर्णय लेना कि वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, उन्हें लगेगा बिल्कुल, अमित ये भी बड़ा फैसला है कि राज्यपाल भी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। हालांकि कांग्रेस ने मिलने का समय तो जरूर मांगा है और विपक्षी पार्टी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। अब तस्वीरें साफ तभी हो पाएंगी जब राज्यपाल को जवाब देते हैं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।